तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लीजिए, रियल टाइम में व्यूज यहाँ पे शो कर रहा है, 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। यहाँ पे आप पूरा लाइव प्रूफ देख सकते हैं और यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं कि अनलिमिटेड इस पे व्यूज आते जा रहा है। अगर 60 मिनट के अंदर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,36,000-35,000 से भी ज्यादा यहाँ पे व्यूज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर। आप पूरा आंख के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कोई फेक नहीं है, कोई यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, एकदम सामने आप देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे गाइस हमने एक वीडियो को अभी तुरंत अपलोड किया है, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 57 मिनट हुआ है आप देख सकते हो, और जिस पे यहाँ पे 40,000 से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मैंने जितना भी यहाँ पे रिफ्रेश मारा हूं उतना यहाँ पे व्यूज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चैनल पर इसी प्रकार से व्यूज आने वाली है और आपका भी वीडियो जो है वायरल होने वाली है इसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर, और अपलोड करने के बाद ही यहाँ पे आपका जो शॉर्ट्स है वायरल होने वाली है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को आराम से देखते रहिए, देखते हैं आपके शॉर्ट्स वायरल कैसे नहीं आती है, 100% आपकी जो शॉर्ट्स है वायरल होगी। उसके लिए गाइस आपको सबसे पहले YouTube की कमजोरी को समझना होगा कि YouTube जो है वो सभी के वीडियो को शॉर्ट फीड में कैसे डालती है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप अपना सभी के सभी शॉर्ट्स वायरल कर लोगे। उसके लिए यहाँ पे हमने एक वीडियो को एग्जांपल के रूप में यहाँ पे उठा लिए हैं, अब आपको क्या क्या करना है ध्यान से समझते जाइए गाइस। गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो को अपलोड करते हो गाइस तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है उसका टाइटल ही होता है। तो गाइस सबसे पहले आपको कमांड बनाना होगा टाइटल पर, तभी आपका जो शॉर्ट है वो शॉर्ट फीड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस टाइटल को कमांड करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होती है और क्या चीज आपको समझना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में एक वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर रखा है, बट गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सिंपल वे में यहाँ पे टाइटल को लिखे हैं। ठीक है, बट गाइस आपको सिंपल वे में टाइटल को यहाँ पे नहीं लिखना है, जिस टॉपिक पे आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फैक्ट होगा या फिर जो भी टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर रहे होंगे गाइस, आपको वहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गाइस कुछ टॉपिक लिखे होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको हिंदी में लिखना है, क्या कहना है, हिंदी में लिखना है। ठीक है, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको हिंदी में लिखना है जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाए होंगे। उसके बाद आपको 3 टैग लगाना है इसमें और गाइस। ठीक है, 3 टैग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 आपको हैश लगाकर लगाना बहुत ज्यादा है, 3 कीवर्ड इतना लगाना इंपॉर्टेंट है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, मैंने एनालिसिस करके देखा है आप वो 3 कौन कौन सा टैग लगाना है, कौन कौन सा कीवर्ड लगाना है आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप हिंदी में लिख लेना। ठीक है, हिंदी में अपना टॉपिक के नाम लिखना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमेडी लिखा हुआ है तो गाइस यहाँ पे हम कॉमेडी अपना लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमेडी कुछ लिख लेते हैं गाइस, कॉमेडी शो लिख लेते हैं, समझ में आया ना, कॉमेडी शो लिख देते हैं। उसके बाद आपको हैश लगाना है गाइस, और हैश लगा के आपको 3 कीवर्ड पर कमांड देना हमेशा जरूरी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि 3 कीवर्ड में आपका सबसे पहले शॉर्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट्स जो है वो यहाँ पे 37 करोड़ जो है वो वीडियो में लगा हुआ है लगाकर शॉर्ट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है, आपकी जो शॉर्ट्स है वहाँ पे लग जाएगी। एक और आपको कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी आपको बहुत ज्यादा मायने रख रहा है शॉर्ट फिल्म में डालने के लिए, अब वो क्या है चलिए दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे क्या है कि आपको ये तो जानना ही है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि शॉर्ट्स लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, शॉर्ट्स। यहाँ पे ए भी गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि 8 करोड़ वीडियोज में लगाया हुआ है, यानी कि आपको ए भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 कीवर्ड हो गया, अब तीसरा कीवर्ड क्या है आप देखो गाइस यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, तीसरा कीवर्ड में गाइस आपको क्या करना है कि ट्रेंडिंग लिखना है, क्या लिखना है गाइस, ट्रेंडिंग। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 4.8 करोड़ वीडियोस में यहाँ पे ट्रेंडिंग में लगा हुआ है। ठीक है, आप गाइस यहाँ पे क्या करना है कि ये जो लोगो है यहाँ पे आग वाला उसको लगा देना है। ठीक है, आप इतना लगाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इमोजी 100% डालना, इमोजी बहुत बड़ा मायने रख रहा है। ठीक है, आप क्या करना है गाइस, आप यहाँ पे इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है गाइस। ठीक है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में उसी को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और गाइस आपको यहाँ पे टैग में भी, यहाँ पे प्लेलिस्ट है गाइस, प्लेलिस्ट में नहीं, टैग में भी आपको क्या करना है कि इसको पेस्ट कर देना है सिंपल सा। ठीक है, ऐसे आपको पेस्ट कर देना है गाइस, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सब आ गया है गाइस, और आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस प्रकार का लिख देना है, बस आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है गाइस, यानी कि मेरा जो ये कीवर्ड है वो तीनों जहां यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा ऑडियंस को, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई ऑडियंस कौन सा हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। ठीक है, तो आप आपको यहाँ पे नो इट नॉट फॉर किड्स यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि अगर आप इसको लिख देते हैं तो आपका बच्चा लोग पास भी जाएगा, सभी के पास जाएगा आपको अगर आप इस सिलेक्ट कर लेते हो तो। ठीक है, आप इतना करने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है कि ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है गाइस कि आपको यहाँ पे विजिबिलिटी पे आना है गाइस, और आपको यहाँ पे शेड्यूल करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है गाइस, आपको शेड्यूल कर लेना है, ये शेड्यूल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने अपना देखा है। शेड्यूल करके अगर आप अपलोड करते हो तो गाइस आपके जो
शॉर्ट से वो शॉर्ट फिल्म में जाने की चांसेस 100% हो जाती है गाइस। तो गाइस इसी तरह का फ्यूचर में और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।